डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग ने अभी डिस्कशन कवर किए उसी पर रिलेटेड मैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बच्चे इस तरीके से बिल्कुल बेसिक सा कि भाई आपको सारे पॉइंट्स एक ही क्वेश्चन में अच्छे से मिल जाए। तो देखा जाए, आपने बेटा क्या किया, यहाँ पे एक सिलेंडर लिया, ठीक है ना। इस सिलेंडर को आप एक मूवेबल पिस्टन से क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सारी बाउंड्री बेटा यहाँ पे क्लोज, कहीं से गैस लीक नहीं हो सकती, ठीक है। ये जो सिलेंडर लिया था इसको आपने क्लोज किया, पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको ये बताया गया, और ये जो गैस थी उसका इनिशियल टेम्परेचर आपको टी नॉट बता दिया गया, इनिशियल वॉल्यूम भी आपको बताया गया वी नॉट है, ठीक है। गैस को आप क्या करते हैं, एक हीटर से, यहाँ पे आपने एक हीटर लगाया, उस हीटर से आप उसे गर्म करते जाते हैं। जब वो गर्म करते हैं तो आपको पता लगा सही जो पिस्टन है गर्म करने की वजह से सही यहाँ पे जो प्रेशर बढ़ेगा उससे पिस्टन को पुश करता है और पिस्टन अपनी जगह से जहाँ पे था वहाँ से थोड़ा आगे आ जाता है। कितना आगे चला जाता है, तो लेट से एक्स डिस्टेंस आगे चला जाता है, क्लियर। लेकिन पता लगा ये जो पिस्टन था वो आपका ऐसा नहीं था, वो पिस्टन के साथ आपने स्प्रिंग लगा रखी थी। अब जब आप नई जगह पहुंच गए बच्चे, तो नई जगह में क्या हो गया, स्प्रिंग थोड़ी सी कंप्रेस हो गई, ओके, क्लियर। तो आपके पिस्टन यहाँ पे अगर आप गैस को गर्म करते हो तो पिस्टन शिफ्ट हो जाता है एक्स से। पिस्टन शुरू में रिलैक्स स्टेट में था और अब जो नई स्टेट है उसमें वो स्प्रिंग जो है थोड़ी सी कंप्रेस हो गई। तो पहले स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में थी, अब स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। क्वेश्चन में जो डाटा दिए गए थे कुछ तरीके से थे, इनिशियल वॉल्यूम दिया गया, एरिया दिया गया, पिस्टन कितने से शिफ्ट हुआ है ना। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चे आपको, 2.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब दिया गया। जो पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आपको 8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया। पिस्टन कितना आगे शिफ्ट हुआ राइट साइड में, वो वैल्यू भी आपको 0.1 मीटर आपको दी गई। इनिशियल प्रेशर, क्योंकि बात की जाए बाहर वाले प्रेशर के बारे में बच्चे, पी एटमॉस्फेरिक दिया गया था, है ना। और शुरू में टेम्परेचर बच्चे आपको बता दिया कितना है, यहाँ से 300 केल्विन है। अगर 300 केल्विन टेम्परेचर है आपका यहाँ पर और आप इसे गर्म करते हैं और ये जो स्प्रिंग से लोडेड पिस्टन है थोड़ा सा आगे चला जाता है। पहले स्प्रिंग कैसी थी, रिलैक्स स्टेट में थी, अब इसके आगे जाने से स्प्रिंग कैसे हो गई बच्चे, कंप्रेस स्टेट में हो गई, क्लियर। तो वो आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ रहे हैं आपसे, एक तो बताइए जब पिस्टन आगे शिफ्ट हुआ है तो उसका फाइनल प्रेशर कितना होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, आपका डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी, वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, क्यू क्या होगा, और अगर हो सके तो पी वी इंडिकेटर डायग्राम पे ग्राफ बना के दिखाइए। आपने कहा ठीक है, पी फाइनल, जब पिस्टन बच्चे इस जगह पहुंचेगा तो उस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे, एक पी नॉट इंटू ए लग रहा होगा, एक बाहर से के एक्स आ रहा होगा और एक पी एटमॉस्फेरिक इंटू ए। तो अंदर अगर पूछा जाए प्रेशर कितना होगा तो पी एटमॉस्फेरिक से एक्स बाय ए आता, तो पी एटमॉस्फेरिक प्लस के एक्स बाय ए। तो पूछो बच्चे फाइनल प्रेशर कितना होगा, तो पी एटमॉस्फेरिक कितना था, 10⁵, के की वैल्यू दी गई है, यस के क्वेश्चन में दिया गया है आपको 8000 न्यूटन पर मीटर है। प्रॉपर एम के सिस्टम में चलिएगा तो 8000, आप गए कितना आ गया बच्चे 0.1, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितने का दिया गया, सॉरी एरिया कितना हुआ 10⁻³, 10⁶ × 0.1, तो 2 × 10⁵। तो टेक्निकली पहले प्रेशर कितना था बच्चे, जब स्प्रिंग रिलैक्स स्टेट में थी और बाहर पी ए टी एम अंदर पी ए टी एम, तो इनिशियल प्रेशर कितना था बच्चे, इनिशियल प्रेशर पूछा जाए तो कितना था, तो पी एटमॉस्फेरिक था। अब प्रेशर कितना हो गया, 2 पी एटमॉस्फेरिक। तो अगर मेरे को इंडिकेटर डायग्राम बनाने की बात अगर कोई कह ही रहा है तो बोलूँगा सर मेरा इंडिकेटर डायग्राम जो बनेगा सर यहाँ पर पी वी बनाने की कोशिश करते हैं बच्चे। तो पहले प्रेशर आपका कहीं पर पी नॉट था, है ना, पहले प्रेशर पी नॉट था और गर्म करने से आपका प्रेशर कितना हो गया, 2 पी नॉट। अब इसके आगे आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं वो तो डिपेंड करता है ना, वॉल्यूम बताएगा सर, उन्होंने वॉल्यूम आपको बताया है। इनिशियल वॉल्यूम कितना था बच्चे, 2.4, इसको 10⁻³ लिख देते हैं। सर फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो इनिशियल वॉल्यूम जितना था उससे पिस्टन के आगे जाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा वॉल्यूम आएगा, तो एक्स आएगा बाई ए क्रॉस सेक्शन एरिया। और आप अगर एक्स आगे जाते हो तो अगर एक्स्ट्रा वॉल्यूम एक्स आ गया तो वी इनिशियल प्लस ए एक्स आया। इनिशियल वॉल्यूम बच्चे आपको 2.4 × 10⁻³ दिया गया था,
प्लस ए, ए कितना है बच्चे 8 इंटू 10 पावर माइनस 3, 0.1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.8 इंटू 10 पावर माइनस 3, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो बहुत बढ़िया डिस्कशन आया कि पहले आपका प्रेशर, ये आपकी स्टेट थी और अब आपका प्रेशर जो बच्चे कितना बढ़ गया, सही है 2.4 था, तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चे मैं पूछूं तो आपका यहाँ पे आ गया होगा, है ना, ये आपका 3.2 आ गया, ऐसे मान लेते हैं। तो ये मेरी दो स्टेट हैं, सबको पता है बच्चे यहाँ से एक आइसोथर्मल कर्व पास करेगा, ठीक है, ये आइसोथर्मल कर्व बच्चे यहाँ से आ गया, एक आइसोथर्मल कर्व यहाँ से आ गया, आप ऐसे गए। अब आपकी ये दो स्टेट्स हैं, ये बात पक्की है कि ये इनिशियल स्टेट है, फाइनल स्टेट है, लेकिन रास्ता क्या आपको नहीं पता है, है ना। तो हमने कहा ठीक है टेम्परेचर पे चलें, टेम्परेचर इनिशियल कितना था 300 केल्विन, क्या टेम्परेचर में कुछ फ़र्क पड़ा होगा। बेटा एक बात समझो अच्छे से, जो चीज़ नहीं चेंज हुई है नंबर ऑफ मोल्स हैं, गैस तो लीक नहीं करी, तो पी इनिशियल वी इनिशियल डिवाइड बाई टी इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल वी फाइनल डिवाइड बाई टी फाइनल। पहले प्रेशर पी नॉट था, बाद में प्रेशर 2P0, पहले प्रेशर वॉल्यूम कितना था 2.4, बाद में वॉल्यूम 3.2, पहले टेम्परेचर 300 केल्विन था और बाद में टेम्परेचर टी फाइनल, तो यहाँ से P0 कैंसिल हो गया, टी फाइनल की वैल्यू बच्चे निकाल सकते हो कितनी हो जाएगी, 300 इंटू 3.2 इंटू 2 डिवाइड बाय 2.4, क्लियर। तो इस वैल्यू को बच्चे आप अच्छे से निकाल सकते हो क्या, तो आपको हाँ सर चांस तो बनता है यहाँ पे कैसे, अगर मैं देखूँ तो ये वैल्यू बच्चे आपके पास यहाँ से डेसिमल हटा दो, है ना, ये आपने यहाँ पे डेसिमल हटा सकते थे, 32 हो गया, 24 हो गया। अब जरा 8 के टेबल में कट करना बच्चे, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, 100 आ गया, 100 × 4 = 400 × 2 = 800। तो टेम्परेचर जो पहले 300 केल्विन होता था, आपने गैस को गर्म करके टेम्परेचर 800 केल्विन कर दिया, तो टेम्परेचर में डिफरेंस पता 800 केल्विन आ गया। तो जल्दी जल्दी बोलो, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल प्रेशर कितना था 10^5, फाइनल प्रेशर कितना हो गया बच्चे आपका यहाँ पर 2 × 10^5, पहले वॉल्यूम कितना था 2.4 × 10^-3, अब वॉल्यूम कितना हो गया 3.2 × 10^-3, पहले टेम्परेचर कितना था 300 केल्विन और अब टेम्परेचर कितना हो गया 800 केल्विन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, हाँ अगर हम चाहें तो यहाँ पे कितनी गैस ट्रैप थी ये भी निकाल सकते हो पी वी बाय आर टी से। चलो जल्दी से बताओ, पी की वैल्यू 10^5 लिखोगे, वॉल्यूम की वैल्यू 2.4 × 10^-3 लिखोगे, टेम्परेचर कितना था बच्चे 8.3 लिखोगे, टेम्परेचर कितना था आर की वैल्यू 8.3, 300 केल्विन आ गया। ऊपर वाली वैल्यू बेटा सॉल्व कर सकते हो क्या आएगी, सर अगर ध्यान से देखिए तो 10^5 × 10^-3, 10^2 ये टर्म कैंसिल, है ना, ऐसे तो लिखेंगे, और 2.4 / 8.3 × 3 तो ये 25 आ गया। इसको बच्चे अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर वाली वैल्यू बच्चे कितनी होगी 9.6 और नीचे वाली 100, है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो 96 × 10^-3 मोल्स आपके हीलियम के रहे होंगे, क्लियर, अगर पूछें तो। नेक्स्ट पॉइंट, जब गैस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गए तो क्या डेल्टा यू निकाल सकते हैं, डेल्टा यू में तो बच्चे सोच रहे हैं ये प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है, एनसीवी डेल्टा टी लिखा, एन आपको नहीं पता था, मान लेते हैं एक बार को सीवी की वैल्यू हीलियम गैस है 3R/2, इसे टी फाइनल मास टी इनिशियल लिख सकते हो, सिंपल से 3/2 कॉमन लेना, एनआरटी फाइनल एक आपके पास टर्म आएगा, एक टर्म बच्चे आपके पास एनआरटी इनिशियल आएगा, 3/2 पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल, क्लियर। तो पी फाइनल वी फाइनल बेटा निकाल सकते हैं, और अरे इतने की ज़रूरत ही नहीं बच्चे, अब तो सारा आपको नहीं नहीं एन में मान लो नहीं पता, पी फाइनल वी फाइनल कितना हो गया 2 × 10^5 × 3.2 × 10^-3, इनिशियल प्रेशर कितना था 1 × 10^5 और वॉल्यूम कितना था 2.4 × 10^-3। इस वैल्यू को ठीक से देखोगे 3.2 × 2 कितना हो जाएगा 6.4 × 100, 2.4 × 100, तो इसमें से अगर आप 100 कॉमन लेते हो बच्चे 6.4 − 2.4 कितना हो गया, तो 100 कॉमन आ गया 4 आ गया और वैल्यू बच्चे कितने आ गए 4 × 3 = 12 × 100 600 जूल्स, तो 600 जूल बच्चे डेल्टा यू की वैल्यू आई, क्लियर। क्या बच्चे यहाँ से क्यों निकाल सकते थे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है भाई आपको क्यू को डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू में
भाई डेल्टा भी पता होना चाहिए, डब्ल्यू पता होना चाहिए, तो क्यों निकलेगा? तो डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? तो जो आपको पिस्टन दिया गया था बच्चे, अगर ध्यान से देखो तो उस पिस्टन पे किसने किसने वर्क किया? एक स्प्रिंग ने फोर्स लगाया होगा, एक एटमॉस्फेयर ने बाहर से वर्क किया होगा, फोर्स लगाया होगा, एक गैस ने। ये तीन लोग मिलके पुश कर रहे हैं, गैस, एटमॉस्फेयर एंड स्प्रिंग। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? के फाइनल मास के इनिशियल। गैस के वर्क की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर के वर्क की बात करेंगे और स्प्रिंग की। हमें निकालना है क्या बच्चे? गैस का वर्क डन, क्योंकि हमें उसका प्रेशर नहीं पता है। पर मज़ेदार बात यह है बच्चे कि स्प्रिंग का वर्क डन आप निकाल सकते हो। स्प्रिंग का वर्क डन ध्यान से देखना, स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन हमेशा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आता है। यू इनिशियल कौन सा? स्प्रिंग की एनर्जी। स्प्रिंग शुरू में रिलैक्स थी और बाद में स्प्रिंग कंप्रेस हो गई है। के की वैल्यू 8000 है और 0.1 का स्क्वायर लिखोगे, 0.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/100। ये टर्म कैंसिल हो के आपके पास 80/2 या -40 जूल आएगा। तो स्प्रिंग ने कितना वर्क किया होगा बच्चे? -40 जूल। एटमॉस्फेयर का वर्क डन देखो अच्छे से। एटमॉस्फेयर कैसा फोर्स देगा? एटमॉस्फेयर ध्यान से देखो, पिस्टन यहाँ हो या आगे आ जाए, हर जगह पिस्टन का फोर्स तो सेम ही होगा। तो वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा? PA ∆x ∗cos π। सर कॉस पाई क्यों? वर्क डन तो एक्सपेंशन में पॉजिटिव होता है। नहीं, गैस का वर्क डन पॉजिटिव होता होगा बच्चे। एटमॉस्फेयर का फोर्स बताओ ना किधर है? एटमॉस्फेयर किधर फोर्स लगा रहा है? इधर। और पिस्टन किधर जा रहा है? राइट में। तो दोनों के बीच में 180 डिग्री के एंगल के हिसाब से पी एटमॉस्फेयर कितना होगा? 10^5। पिस्टन का एरिया आपको दिया गया था क्वेश्चन में क्या? पिस्टन का एरिया बच्चे अपने क्वेश्चन में कितना दिया गया था? 8 × 10^-3। तो ये वैल्यू आ गई 8 × 10^-3, और तुम गए कितना बाहर हो? 0.1। कॉस पाई -1 आया बच्चे, ये वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू -80 जूल आ गई। तो अब आपसे को पूछे सर गैस ने कितना वर्क किया होगा? वो एटमॉस्फेयर और स्प्रिंग के वर्क से रिलेट होकर जीरो बनेगा। सर जीरो क्यों बनेगा? उसका रीजन बच्चे यहाँ पर सिंपल सा कि जो पिस्टन बोला गया था मासलेस बोला गया, और अगर कोई बॉडी मासलेस है, नेग्लिजिबल है, तो उसका मास जीरो मानोगे। तो टर्म फिनिश। तो आपके पास वर्क डन बाय गैस कितना आया बेटा? वही तो पूछा गया है। वर्क डन बाय एटमॉस्फेयर कितना आया बच्चे? -80 जूल। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना आया? -40 जूल। तो गैस का वर्क डन बच्चे इस केस में कितना हो जाएगा? 120 जूल्स आएगा। क्लियर? तो कुछ जैसे गैस का वर्क डन किसी और तरीके से भी निकाल सकते थे। ऑफ कोर्स अगर पीवी इंडिकेटर डायग्राम में बात बन जाए तो बात आ जाएगी, है ना। देखिए आपने बच्चे ये बोला था, ये आपके पास ऐसा है, ये ऐसा है। आपको वी बोला गया था कितना है? 2.4। और प्रेशर कितना था? 10^5। और यहाँ पे प्रेशर कितना है? 2 × 10^5। और वॉल्यूम कितना हो गया बच्चे यहाँ पर? 3.2। और सारी वैल्यू 10^-3 में है। अब बच्चे मुझे यहाँ से यहाँ का प्रोसेस नहीं पता है, आप एक बात समझो अच्छे से। वॉल्यूम की वैल्यू बच्चे कितनी है? V0 + Ax। और प्रेशर की वैल्यू कितनी है? P atmospheric + Kx/A। ये हमने भी पढ़ा है। P0 किसके इक्वल होगा बच्चे? ये देखिएगा यहाँ पर, मैंने प्रेशर निकाल के बताया था, P atmospheric + Kx/A दिख रहा है। तो प्रेशर में आप ये वैल्यू लिखेंगे और ये रिलेशन आ गया आपका बच्चे। एक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये वैल्यू हो जाएगी V - V0 = Ax और P - PATM × Kx/A। ठीक है बच्चे? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करोगे तो A² / K करके टर्म आएगा, एंड P - PATM, इसको आप डिवाइड करो अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप P - P0 / V - V0 लिखोगे तो Kx/A ऊपर आएगा और Ax नीचे आएगा, x कैंसिल, K/A² तो P - P0 = K/A² × V - V0। सब मैथ्स के स्टूडेंट हो, सबको पता है बच्चे प्रेशर पे कितनी पावर है? 1। वॉल्यूम पे पावर कितनी है? 1। तो ग्राफ कैसा होगा बच्चे? लीनियर ग्राफ होगा। लीनियर का मतलब बच्चे दो पॉइंट से पास करने वाला एक ही तो बच्चे लीनियर ग्राफ आ सकता था, तो ये आया। तो क्या मेरे पास ये जो शेडेड पार्ट है यही वर्क डन होगा? वर्क डन देखा जाए, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, दो पैरेलल साइड बोलो 10^5 है, 2 × 10^5, तो ये आ जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 3 × 10^5। और उनके बीच का गैप बेटा चेक करना कितना होगा, 2.4 और 3.2 के बीच का गैप 0.8।
8 × 10⁻³। तो अगर पूछो मैं गैस का वर्कडन बच्चे यहाँ से कितना आएगा, तो 10⁵ और 10⁻³ कितना होगा, 10⁻², तो 1/2 × 3 × 0.8 × 10⁻². डन भाई, ये आंसर देखा जाए तो कितना बनेगा, हमारा आंसर बैठ रहा नहीं बैठ रहा बच्चे। तो यहाँ पे 2/3 1.5 × 0.8 कितना होता है बेटा, 1.2 × 100 120। देखिए आप ऐसे निकाले दोनों कैसे वर्ल्ड बेटा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और आपसे एग्जाम में क्या पूछा गया था, क्यू की वैल्यू, तो डेल्टा यू आपने निकाल ही लिया था, वर्क डन आपके पास 120 है, आपने कितनी डेल्टा यू दिया था, तो डेल्टा यू की वैल्यू शायद बेटा आपकी 600 जूल आ रही थी। अगर डेल्टा यू की वैल्यू 600 जूल थी तो यहाँ पर रखोगे और ये 720 आ गया, क्लियर। तो फिल्म ना के बेटा बात यह है कि वर्क डन भी आप निकाल सकते हैं, डेल्टा यू के पास सेट फॉर्मूला है, एनसीवी डेल्टा डी, क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से आप सॉल्व करिए, आपको बात मिल जाती है बेटा। तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर आप वर्क एन ई थ्योरम के सॉरी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कंप्लीट कर लें तो बात बनती है। मैंने लास्ट सेम पे आप लोग को जब पढ़ाया था तो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन टिक नहीं कराए थे, ठीक है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आप एस सी एम एस से पढ़ रहे हैं तो आप इन टॉपिक्स को इन क्वेश्चन को जरूर करिएगा। वर्कड आउट एग्जाम्पल्स में अगर बात करेंगे तो पेज नंबर 57 से मैं बात शुरू कर रहा हूँ। पेज नंबर 57 से बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा है, 3 अच्छा है, और 5 बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, 6 में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, 8 जो मैंने आपको क्लास में कराया उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, 9th में आपको साइक्लिक प्रोसेस का बहुत अच्छा डिस्कशन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके बाद बच्चे जब आप एक्सरसाइज में आएंगे तो एक्सरसाइज में आप मान के चलिए बेटा शुरू के कुछ क्वेश्चन थोड़े से बोरिंग से लगते हैं, यार ये क्या चल रहा है, लेकिन वो क्यू डेल्टा और डब्ल्यू के कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2-4 ये पेज नंबर 62 की बात है, एस सी में पार्ट 2 है ना, 6 बहुत अच्छा है, 7 बहुत अच्छा है, 8 हुआ, 9 हुआ, 10 में एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, 11 अच्छा है, 12, 13, 14 इज़ ए गुड क्वेश्चन, 18, 17, 19 and 21, क्लियर, एंड 20 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। रिविजन के लिए दोनों चैप्टर पार्ट बहुत अच्छे हैं। अगला डिस्कशन आता है बेटा, इन्होंने चैप्टर को CPCV के लिए अलग ही चैप्टर बना दिया, तो पेज नंबर 72 पे आइएगा, सॉल्व एग्जांपल्स बच्चे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ज़रूर ट्राई करिएगा, 7 सॉल्व एग्जांपल अच्छा है, 8 अच्छा है, 9 बहुत अच्छा है ना, 10 आपका क्लास में हो चुका है लेकिन एक बार ट्राई कर सकते हैं, 11 है ना। फिर आप जब बच्चे वर्कड आउट एग्जांपल्स में आएंगे पेज नंबर 77 पे, तो क्वेश्चन नंबर बच्चे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत अच्छा, जेई में पहले इसमें क्वेश्चन आया था, बाद में जेई में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 6, 8, 9 वेरी गुड क्वेश्चन, 10, 11 है ना। आप इसमें आगे आएंगे तो आपके 16, 17, 18, 19, 23 अच्छा क्वेश्चन है, 25 अच्छा क्वेश्चन है, 26 बहुत अच्छा डिस्कशन है, 30 बहुत अच्छा डिस्कशन है, ठीक है, 33, 34 ठीक है। तो ये जितना बच्चे हमने डिस्कशन कवर किया वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में, हमने कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन, KTG और इसके डिस्कशन को कवर किया है। जो हमारे पास बेटा पार्ट बचता है वो हीट ट्रांसफ़र है ना। तो ट्राई करेंगे इस वीक में आपका बच्चे हीट ट्रांसफ़र भी कंप्लीट